नहीं हुआ है और मेरा मुकदमा लिख गया। उसी मुकदमा के दबाव के कारण ना सुलह करने के हमारे पापा को ड्यूटी पर से रोक दिया गया है और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, हमें जान से मारने के लिए धमकी दे रहा है। और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और ये ग्राम प्रधान परसोत्तम सिंह, कोटेदार सोनू सिंह और ये SP धर्मवीर सिंह, चारों पांच लोग मिलकर हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा नहीं सुलह करोगे तो तुम्हारे पापा को ड्यूटी से निकाल दिया जाएंगे और हमारा एडमिशन भी नहीं BSC में हो पाया। हम बहुत परेशान हैं, अब हम लोग भूखन मर रहे हैं किसी तरह से, इसीलिए हम कलेक्टर ऑफिस पर आके आत्महत्या करने की वजह से आए हैं यहाँ धरना देना। लड़की के साथ छेड़खानी हुआ था तो उसमें मुकदमा लिखा गया और उसके बाद हमारी नौकरी रोक दिया गया, ड्यूटी पर विभाग से निकाल रहे हैं अधिकारी लोग, इसीलिए हमारा आंसर करने के लिए यहाँ आए हैं। क्यों निकाल रहे हैं? कौन राजनीतिक दबाव से निकाल रहे हैं? वो ग्राम प्रधान पुरुषोत्तम सिंह, कोटेदार सोनू सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, कप्तान धर्मवीर सिंह, इसलिए दबाव बना रहे हैं सर। षडयंत्र क्या है कि सुलह समझौता हो जाए, इसलिए हम सुलह समझौता नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा नौकरी से निकाल रहे हैं सर। हम यहाँ आत्महत्या के लिए आए हैं, अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम अब सब पांच परिवार यहीं आत्महत्या कर लेंगे सर।